महाराष्ट्र चुनाव में गोंडिया भंडारी लोकसभा क्लस्टर प्रभारी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा और महायुति गठबंधन की बड़ी जीत पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने झूठ और विभाजन की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी मोदी जी और महायुति की लहर में पत्तों की तरह उड़ गए। कांग्रेस पर हमला करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने सच को पहचाना और उन्हें विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया। विधानसभा चुनाव में आपने सेवाएं भी दी, वहां पे आप चुनाव प्रचार में भी रहे, जो रिजल्ट आ रहा है क्या मानते हैं सर आप? लंबे समय से और मैं बीच बीच में आपके माध्यम से बताता भी रहा कि मोदी मैजिक चलेगा, मोदी जी का विकास चलेगा, मोदी जी का जो नारा है एक रहोगे सेफ रहोगे, अपना सेफ ले लिया था और जनता को विश्वास था कि जो बांटने वाले हैं, कभी जाति कर जड़मा के नाम पर, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, इसको जनता समझ गई। वो संविधान की किताब दिखा दिखा के लोकसभा में जो एक बार भ्रम में जनता को ले आए, ये बाबा साहब की कर्म भूमि है विदर्भ का इलाका और महाराष्ट्र का इलाका, आप देखो क्या हालत कर दी है। वो ये झूठ बोला उनने संविधान को लेके, तो आज ये हालत कर दी है उस स्थान की कि कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई और उस महागाड़ी गठबंधन के वो ईडी गठबंधन वाले लोग, जो घमंडिया गठबंधन वाले लोग, सब के सब पत्ते की तरह उड़ते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में आपको। और मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन पूरी दो तिहाई बहुमत के साथ आ गई। संजय राउत कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गई है, ये अब यही कहते मिलेंगे। और पिछले इतिहास चुनावों का देखो, जैसे हरियाणा, हरियाणा में जब हारे तो गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग पहुंच गए। जहां हारते हैं, कश्मीर में नहीं कहा गड़बड़ हुई, लोकसभा में नहीं कहा गड़बड़ हुई है, जहां हारते हैं वहां गड़बड़ हुई है, ये इनका एक रटा रटाया है और हर चुनाव में हारते ही ये बात कहने लगते हैं। ये चलने वाला है अब 3 दिन तक, ये सब जगह हार रहे हैं। लोकसभा में जहां धोखा दे दिया था, यूपी के उपचुनाव देखिए, यूपी में बुरी तरह हार रही है, बड़ा मूछों पे ताव दे रहे थे लोकसभा में, अब देखो 9 सीटों में चुनाव हो रहे, क्या स्थिति है। आप देखिए मध्य प्रदेश का, आप देखिए बिहार का, आप देखिए महाराष्ट्र का, सफाया हो रहा है सबका। सर एक रहोगे सेफ रहोगे और कटोगे तो बटोगे वाला जो नारा रहा था, वो क्या इस चुनाव में क्या एक गेम साबित हुआ सर, क्या गेम चेंजर साबित हुआ सर, क्या मानते हैं आप? भाई देखो, बांटने वाले जो नारे लगाए लोगों ने जाति जनगणना के नाम पे, हिंदी हिंदुत्व के नाम पे, वो जनता समझ गई। और इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया एक रहोगे सेफ रहोगे, जनता के मन के अंदर वो उतर गया, उसने अपना शेप ले लिया। सर यदि मध्यप्रदेश की बात की जाए, विजयपुर बुधनी उपचुनाव को लेकर जो परिणाम सामने आ रहे हैं सर, क्या लग रहा है दोनों ही सीटें जो है बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है सर?